चल ये ज्यादा अच्छा है या थोड़ा सा अच्छा है? ज्यादा अच्छा है। अपनी तारीफ। अच्छा अंकल ये बताएं, बड़ा बेटा अच्छा अरीबा या हमाद, आप तीनों में से सबसे ज्यादा किस? बराबर। नहीं कोई एक बताना है। मैं बता देता हूँ, अरीबा। गाइस मेरा बेटा बहुत अजियत में, इसके लिए दुआ करें जल्दी से ठीक हो जाए मेरा बेटा। अप्पू की जिंदगी। हाय एवरीवन, मेरे बाल चेक करें आप लोग। मम्मा ने तो चुटिया बांध ली थी, वो मैंने खोल ले तो मेरे बाल ऐसे आ गए। खैर मुझ पे ये वाले बाल सूट नहीं करते, पता नहीं क्यों। या हो सकता है इनको मैं सेट करूँ तो ये सूट करे। खैर मेरे हाथों में, मेरे पैरों में कल उछल उछल के इतना दर्द हो गया ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। क्योंकि मैं खुद को एक्टिव रखती हूँ, अपनी एक्टिविटी रखती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं ये सारी एक्टिविटीज़ कर रही हूँ तो मैं एक्टिव हूँ। सो अभी ये ब्लॉग स्टार्ट हो गया, फिर आपको लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करने का। मम्मा की आवाज़ आ रही है, मुझे बुला रही है। क्या लग रही हो तुम? लग रहा है भद्दड़ जंगल से भाग कर आ रही। अच्छा मैंने कहा जा रही हूँ भाई, आसिफ भाई लेने के लिए मुझे आ चुके हैं। हम आपको भेज दिया था आसिफ भाई को, वो बाहर खड़े हैं और मैं निकल रही हूँ। और आयत एक तो ये जो ताला लगा हुआ होता है ना, ये मेरी सबसे बड़ी चिंता है। जब देखो ताला लगा हुआ होता है, जब देखो ताला लगा। आयत दरवाज़ा बंद करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आसिफ भाई? गाइस गलती से इसके बराबर में बैठ गई हूँ। और तुमने व्लॉग शुरू किया है तो क्या मतलब? तुम्हें कंटेंट नहीं मिलता ना, तुम कभी फजीला और दीदी के नाम से व्यूज खाती हो, कभी फजीला की बहनों के नाम से व्यूज खाती हो, तो मेरे नाम से व्यूज खाना चाह रही हो। तुम इस चीज में कामयाब नहीं होगी दुनिया में। गाइस तुम इतने मेंटोस खाइए। एक सेकंड रुको, इधर मेरे मुंह से आ रही है स्मेल, है ना? तुम्हारे अंग अंग से आ रही है। कैशफ इस तरह से करती है, कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करती है और व्यूज खाती है। फजीला की बहनों से भी इसने व्यूज खाया। अलबत्ता उनके अपने व्यूज नहीं आते। कैशफ आती है व्लॉगर पे कुछ आप कुछ तो होगा। मैं व्लॉगर मां दसो, मैं अच्छा दसा पुत्र है ना? अच्छा सारे अंकल अच्छा पुत्र हां। उर्दू में बात करो, लोग भी मेरी तरह। मेरी बात सुनो, बहुत हिंद को व्यूवर्स भी होंगे तुम्हारे। उनको मैं वो कर रहा हूँ, तारीफ करें मेरी थोड़ी सी। मैं हिंदी भी हूँ। अंकल ये ज्यादा अच्छा है या थोड़ा सा अच्छा है? ज्यादा अच्छा है। अपनी तारीफ। अच्छा अंकल ये बताएं, बड़ा बेटा अच्छा अरीबा या हमाद, आप तीनों में से सबसे ज्यादा किस? नहीं कोई एक बताना है। मैं बता देता हूँ, अरीबा। दो मिनट डाल लिया तुमने, मुझे डिप्रेशन में डाल। क्या अंकल? ये तो है, अरीबा का हाथ ज्यादा बनता है। अरीबा की बहन आंटी, आंटी का कौन लाडला? आंटी बड़ा अंकल ने बोला हमाद और ये बोला बड़ा भाई। अल्लाह का वास्ते खबर, मेरा नाम जहाँ पे है वो काटना और वज्जी का डालना, फिर पे लड़ाई करेगा बड़ा भाई। सच में ये वाला है, दोबारा देख लो ये डर जाएगा कि स्क्रिप्ट आप लोग देख रहे हैं। एक दफा करने के बाद दोबारा स्क्रिप्ट करो। अब तुम जो है पहले फजीला के घर में तुमने आग लगवाई है, अब तो मैं आग लगवाना चाह रही हूं। यार ये तो पीछे लग गया, मेरे खिलाफ हो गया गाइस। शर्म नहीं आ रही इसको। और हमाद अपने बच्चों को संभालते हुए, ये कब हुआ हमाद? 3 साल हो गए, तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे तो है, मैं आ गई थी। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं शॉपिंग और मैं व्लॉग ही नहीं बना पा रही हूँ। मैं शॉपिंग करते हुए मेरा व्लॉग ही नहीं बना रहा है। मैं अपने फैंस से बिल्कुल प्यार नहीं हूँ। तुम्हारा व्लॉग 50,000, 60,000, 70,000 लोग देखते हैं, तुम चाहती नहीं हो जो है ना कि उन लोगों को डेली कॉन्टेंट भी देखने को मिले। अच्छा नल्ली और फारे होती जा रही है गाइस। आज ये कार्ड मेरे हाथ में है और मैं इससे आज कुछ भी ले सकती हूँ। आप लोग तमाशा देख रहे हैं, अगर तमाशा देख रहे हैं तो बताएं कश्यप और मुझे भी जो है ना तमाशा में होना चाहिए। तो तमाशा के एपिसोड के नीचे जाके कमेंट करें, कमेंट करें कश्यप और हमाद को बुलाओ, ये सारे कंटेस्टेंट नल्ले हैं, नल्ले। क्योंकि गाइस आपको पता है कश्यप और मेरे कंटेंट की मुझे 14 प्रो मैक्स देने वाला है गाइस। वो तो गाइस आज का थंबनेल होगा, हमाद ने दिया कश्यप को 14 प्रो मैक्स। ये लो हाथ में पकड़ो, जल्दी से पकड़ो। वैसे सच में देने वाला है ये,
आंटी आंटी को मंत्रा से दिला दे तू। आंटी मंत्रा से कपड़े लेने। आंटी बोले कश्यप जो है ना इस भाई को ये बोल रही है कि मुझे जो है ना 4 साल के बच्चे के कपड़े दिखाए। मैंने कहा क्यों? बोलती है जुहान कल को 4 साल का होगा तो अभी से पहनना शुरू करेगा, 4 साल 2 साल तक घिसूंगी इसके कपड़े। अब कैमरा खुला तो 2 साल पे आ गई हो। कश्यप ने किया खर्चा जुहान के ऊपर और मैंने ले लिया है। ये मैंने अपने छोटे मुन्ने के लिए लिया है, देखो रोहान के लिए। एक तो नहीं, ये दो है। ये रोहान का है, रोहान नाम रख दिया। हाँ, और ये जोहान का है। नाम रिवील के व्यूज नहीं लिए तुमने? नहीं, बहुत दो गई, सब व्यूज ले लूँ। ये देखो जोहान का कैसा है, ये मेरे सूट है। और रोहान का देखो, रोहान का कैसा है? डबल है, हाँ मुझे लग रहा है तीन है इसके अंदर। इसके अंदर कितने? तीन है। अच्छा, तो एक ये एक पहनाते तीन अलग अलग पहनाते हैं, उन्होंने डिस्काउंट करके उस तरह लगाया था। क्या हो गया कश्यप? भतीजों की शॉपिंग कुछ ज्यादा ही महंगी। कितना बिल बना? 17,555। अगर मैं जे डॉट या खाड़ी में जाती नहीं तो मैं इसमें 5 सूट ले लेती हूँ। 50% असली की जो आग लगाई हुई है बच्चों ने लगाई हुई है, हम लोगों ने तो कुछ किया वही नहीं है इसमें। हम लोगों के पूरे महीने के कपड़े हैं। कैचअप गई है, कैचअप वहाँ से 50% ऑफ पे कहती है तुम लोग, वहाँ से मैं तो 50% ऑफ पे लेंगे। मैंने कहा ओके, अब कैचअप का बिल मेरा तो 10,000 बना है कैचअप का। कोई बात नहीं कैचअप, सारी कार्ड के लिए खड़ी हुई, मैं कार्ड ही नहीं ले रही। दिल्ली ऑर्डर ना तुम्हारा, तुम्हें झटका लग गया। कैमरा बंद कर दूँ? तुमने कुछ पीसेस निकलवाने अगर गाइस लीजर क्लब शॉपिंग करने बिल्कुल भी मत आइएगा, बहुत महंगा है। आइएगा, मजाक कर रहा हूँ, अच्छे कपड़े बहुत। चाचू बुला रहा। चाचू जी, चाचू कार्ड की कार्ड आइए ना। कहाँ? सो शॉपिंग इज डन। मैंने जुहान के लिए आउटफिटर से एक पैंट और एक चड्डा भी ले लिया। और क्या हो गया हमारा, क्या हो गया? जगह पे है मेरे बच्चों के लिए, मेरा दिल हमेशा बड़ा ही है। कार्ड भले तुम्हारा हो लेकिन मेरा दिल तो बड़ा है ना। तो हम लोग आ गए हैं क्लॉक टावर, शॉपिंग हमारी डन हो चुकी थी, अब हम लोग क्लॉक टावर। वैसे मेरा क्लॉक चमाटे, वैसे मेरा तो कोई फायदा ही नहीं है, मैं डाइट पे हूं गाइस, मैं तो ऐसे ही आ रहा हूं। और आंटी और अंकल को हमने बिठा दिया, मेरे पैरों में जान नहीं रही। मैं बेचारा यहाँ नहीं है स्मेल यार, बाहर ही आ रही है मछली और झींगे की आ रही है, मछली और झींगे की आ रही है। बात सुनो, ये बत्ता मुझे नहीं कर रहा, तुम तो सब चीज है ना, इसकी बातों में मत सुना कर, ये मेरी पसंद की कर रहा है। मैं फाइनली घर आ चुकी हूँ, अभी हम देखेंगे बच्चों की शॉपिंग। पापा मुझे कुछ दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं आज? घर का देसी मुर्गा काटा है, जो बच्चे पाले थे जो अंडे में से निकले थे आज वो काटा है। रुहान की खतना हो गई गाइस, क्या बोलते मुसलमानिया। देखो बिट्टू आपके लिए कपड़े लाई अप्पू, ये देखो मेरी माँ। सुनो जब बच्चों के लाते तो उसकी माँ बाप के भी लाते। अच्छा एक जान की एक चीज दिखाती हूँ, दिखा अम्मा से दिखाए चड्डा, बड़ा अच्छा लगा है मुझे ये देखो। अरे वाह, ये किचन ये मैं यार इसको अरे भाग क्या रहा भाग, अल्लाह माशाल्लाह भाई। ये देखो शर्ट तो मम्मा लाई है इसकी, वाइट वो फिर दूसरी वाली। ये देखो उसके लिए मैंने बड़ी ली है इसकी पैंट, पैंट है तो लंबी सी। छोटे छोटे वाले के दिखाएं, छोटे वाले के ये देखो। महीने में देती ना मैं, वो तो छोटू के, रुहान के, ये देखो ये देखो जुहान के। ये सर्दियों के लिए लाई हूँ मैं इसके, अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, ठंडा होने वाला है। ये दिखाएं, ये भी जुहान, ये इसके साथ है, ये किसका है? ये भी इसी का ही है। ये छोटे वाले की शर्ट है, ये दूसरे वाले का है, ये छोटे वाले की है, छोटे वाले का दिखाओ रोम वाले, ये कपड़े वाले से कपड़े दिखा दो, ये इसके साथ, ये इसके साथ।
माशाल्लाह ये इसके अंदर की शर्ट है। ये देखो गाड़ी, ये इसके साथ है अम्मा। देखे ये जोहान का, अब रोहान का किधर है? इसके अंदर है ये रहा। रोहान का दूसरा था, ये रोहान का है, ये रोहान की शर्ट टांग गई। ये देखो ये रोहान का है, ये कैसा लग रहा है? क्यूट है ना ये, एक के अंदर एक है ना ये, ये देखो काफी सारे, ये देखो ये इसको पहनाना अब रोहान को, अल्लाह कितना खुश हो रहा है। अम्मा सबके रेट देख रही रेट भी देख रही, पिंक वाले मुझे ये एक मिनट रुक जाए यार, इनकी जोड़ियां हैं कपड़ों की थोड़ी, ये तो रख दो, ये तो गर्मी में पहनने के लिए लिए मैंने इसके लिए, अरे सर्दी में, हाँ ये दोनों सर्दी में पहनने के, बाकी गर्मी में कपड़े आ रहे हैं। तो तुम क्यों जल रही हो उससे? जल नहीं रही, मेरे पापा ऐसा, ये पैंट मैंने इसके साथ लिए, ये मैंने आउटफिटर से लिए और ये दूसरी जगह से कपड़े लिए मैंने, ये दोनों चीजें आउटफिटर से लिए। गाइस मेरा बेटा बहुत अवियत में, इसके लिए दुआ करें जल्दी से ठीक हो जाए मेरा बेटा। अब्बो की जिंदगी, मेरे बेटा फेस रिवील कब करोगे इसका? इसके नेल्स काट हो गए ना, नाम कंफर्म नहीं हुआ है। रोहान बोल अपने भाई मुन्ना, अल्लाह उसको हटा के खुद चढ़ गया। कोई तरीका है क्या? अल्लाह मेरा बेटा, वाले सॉक्स मर जाऊंगी। नहीं होती है तो उनको इतना खुला कैसे रखते हैं यार? भाभी इतना बंद करके क्यों रखा हुआ इसे? क्यों यार, मैंने देखा बच्चों को तरक्की कर ली है भाभी, इतनी तरक्की कर ली है साइंस, नहीं कह रहा आपको भी वो नहीं होता तो साइंस से नीचे की जगह का क्या ताल्लुक? अल्लाह कितना खुश हो रहा है, आई अल्लाह मेरा बेटा।